सभी को मेरा नमस्कार। ये गाड़ी है बलेनो, पुश बटन स्टार्टिंग वाली कलर से स्टार्ट होती है, और आज हम इसकी सर्विस करेंगे। सर्विस में क्या क्या पार्ट चेंज करेंगे, सबसे पहले इंजन ऑयल निकालेंगे, इसका ड्रेन नट खोलेंगे, इसका इसके बाद में ऑयल फिल्टर खोलेंगे। ये इंजन ऑयल फिल्टर खोलेंगे, ऑयल फिल्टर के बाद में गियर ऑयल ड्रेन नट खोलेंगे। ये गियर ऑयल नट है, सत्तर हजार प्लस चल रही है गाड़ी, इसलिए ये गियर ऑयल भी ज़्यादा नहीं निकला, एक लीटर निकला होगा ज़्यादा से ज़्यादा, कम था बहुत काफ़ी। एक बैटरी टर्मिनल हटा दिया है, इसके बाद में चारों स्पार्क प्लग चेंज करेंगे, जेन्युइन लाए हम। चारों कोयल निकालने के बाद में स्पार्क प्लग खोलेंगे। ये चारों स्पार्क प्लग मैं दिखाऊंगा आपको इनकी कंडीशन। चारों स्पार्क प्लग जेन्युइन डालेंगे, देखें जेन्युइन है, एनजीके कंपनी के जेन्युइन प्लग है, चारों एनजीके कंपनी के। ये चारों को लगाएंगे, ये कंपनी इससे गाड़ी एवरेज भी बढ़िया देगी और थोड़ा पिकअप पे भी बढ़िया। ये इग्निशन कोयल लगाएंगे और फिर इसके बाद में हम एयर फिल्टर चेंज करेंगे, और एयर फिल्टर के बाद में एसी फिल्टर चेंज करेंगे। फुल सर्विस हो रही है ये। इग्निशन कोयल टाइट करने के बाद में एक कपलर लगाएंगे, एयर फिल्टर ओपन करेंगे, ये देखिए खराब है बिल्कुल, इसको चेंज करेंगे। पिछली सर्विस पर भी पता नहीं चेंज किया था या नहीं किया था। ये एयर फिल्टर है इसका MGP का, ये एयर फिल्टर को लगाएंगे।
एयर के बाद में एसी फिल्टर चेंज करेंगे। ये एसी फिल्टर है, ये देखे कितना डस्ट है। इसको नया डालेंगे जैनवन, अंदर से इसको क्लीन करेंगे कपड़ा मार के। एसी फिल्टर जैनवन इसको लगाएंगे। ये कवर लगा देंगे इसका। ये कवर लगा दिया इसके, मैं इसको ये डिग्गी को लगाएंगे। डैशबोर्ड डिग्गी है, ये डिग्गी लगा दिया। इसके बाद में ये बैटरी का पानी चेक करेंगे। बैटरी का पानी ठीक है, सभी सेल में पानी ठीक है। इसमें थोड़ा कम है, इसमें पानी डाल देंगे हम, जो बैटरी वाला पानी आता है उसको डालेंगे। ये अगले वाले डिश पैड भी ठीक है, अभी नहीं है, ठीक है अभी तो। कंट्रोल आर्म भी ठीक है, इसके बैलेंस रोड के बुश भी नए हैं, अभी डलवाए थे कंपनी के अंदर, काम कराया था गाड़ी में। ये स्क्रीन वॉश है वाइपर का, जैनवन है मारुति का। इसके बाद में अब हम चेंज करने वाले हैं फ्यूल फिल्टर, इसका जैनवन फ्यूल फिल्टर है, इसको डालेंगे। फ्यूल फिल्टर को बाहर निकालने के लिए ये 10 नंबर का बोल्ट खोलेंगे। फ्यूल फिल्टर की जो लाइन है उसको खोलने के लिए ये लॉक होता है कपलर टाइप, इसको पेचकस से दबाकर बाहर निकालेंगे। थोड़ा पेट्रोल निकलेगा इसमें, जो फ्यूल फिल्टर के अंदर होता है। दोनों साइड से लॉक हटाने के बाद ये जो लाइन का फ्यूल है वो निकलेगा। ये फ्यूल फिल्टर है और ये जैनवन है, इसको लगाएंगे। इसमें इन और आउट का भी होता है, ये आउट है और ये इन है, इसके अंदर आएगा। ये ऐसे लगेगा, टैंक में से फ्यूल आएगा, ये इसमें अंदर जाएगा इन और आउट हो जाएगा। ये देखो, इसको लगाएंगे ऐसे। ये लॉक आ गया, ये फ्यूल लाइन लगाएंगे इसकी। ये फ्यूल लाइन के दोनों लॉक दबा देंगे दोनों साइड से, इधर से भी। अब ये निकलेगा नहीं बाप, ये अर्थिंग हमने खोल दी थी, ये गलत खुल गई, इसको हम टाइट कर देंगे। ये फ्यूल फिल्टर चेंज हो गया, फ्यूल फिल्टर चेंज हो गया, ये लॉक भी लग गया इसका। ये ड्रेन वार्सल और ऑयल फिल्टर
लगाएंगे। जेन्युइन ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर लगाएंगे। ये ऑयल फिल्टर टाइट कर दिया, इसके बाद में ड्रेन नट लगाएंगे, इसको टाइट करेंगे। इसको टाइट करने के बाद में गियर ऑयल ड्रेन नट लगाएंगे, इसको भी टाइट करेंगे। टाइट कर दिया, इसके बाद में पहले इंजन ऑयल डालेंगे, फिर गियर ऑयल डालेंगे। ये इंजन ऑयल है कैस्ट्रोल मैग्नेट का, स्टॉप स्टार्ट का। ये देखिए, इसको डालेंगे, इंजन ऑयल डालेंगे। साढ़े तीन लीटर के बाद में गियर ऑयल डालेंगे। ये नट खोलेंगे, डालने वाला गियर ऑयल वाला। ये गियर ऑयल डालेंगे टीवीएस और ऑटोमेटो का ऑयल है, इसको डालेंगे गियर ऑयल को। ये थोड़ा धीरे धीरे जाएगा, गियर ऑयल डाल दिया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। ये ड्रेन नट टाइट करेंगे, इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। इसको टाइट कर दिया, इसके बाद में कूलेंट पूरा अभी डाला था, ये पिछली सर्विस पर चेंज किया था, ब्रेक ऑयल भी चेंज हुआ था। बैटरी क्लैंप लगाएंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, क्लच दबाएंगे और गाड़ी स्टार्ट करेंगे। फ्यूल फिल्टर चेंज हुआ तो इस वजह से दूसरे सेल्फ में स्टार्ट किया गाड़ी। दोबारा स्टार्ट करेंगे और लाइटें चेक करेंगे, पार्किंग चेक करेंगे। ये डीपर चेक करेंगे, देखिए चेक करेंगे नीचे से। वाइपर ये भी ठीक है। गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है और सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। यह सिर्फ बलेनो, मारुति की बलेनो, पुश बटन स्टार्टिंग, फुल सर्विस।